4 मार्च 1961 को भारतीय नौसेना को उसका पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिला था। वर्ष 1957 में भारत ने आईएनएस विक्रांत को ब्रिटेन की रॉयल नेवी से अधूरे कंस्ट्रक्शन के साथ खरीदा था, जिसके बाद वर्ष 1961 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ और 4 मार्च को इसे सेवा में ले लिया गया। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में आईएनएस विक्रांत पाकिस्तानी सेना के लिए बड़ी मुसीबत साबित हुआ। वहीं 31 जनवरी 1997 को विक्रांत को रिटायर कर दिया गया। इस तारीख के करीब 25 वर्षों बाद यानी 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत की एक बार फिर से भारतीय नौसेना में वापसी हुई। 2 सितंबर को पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा था। इस बार आईएनएस विक्रांत एक स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भारतीय नौसेना का हिस्सा बना था। नया विक्रांत स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक बना। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। इसके साथ ही भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करने में सक्षम है। 4 मार्च यानी आज देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को पूरे सप्ताह मनाया जाता है। बता दें कि 4 मार्च 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए 1971 में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 की थीम सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस है। ESG से यहाँ मतलब पर्यावरण, सामाजिक और शासन से है।